अस्सलाम वालेकुम। आज हम लच्छा पराठा बनाएंगे। लच्छा पराठा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लच्छेदार पराठा बना सकेंगे। सबसे पहले हमने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, 2 कप भरकर मैदा। उसमें हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून शक्कर का पाउडर है, पीसीवी शक्कर। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे पराठों पर। जब हम पराठे को पकाते हैं तो ये जो शक्कर है वो कैरमलाइज होती है और इससे पराठों पर बड़ा अच्छा कलर आता है। 2 टेबलस्पून सूजी, कोशिश करके बारीक वाली सूजी यूज़ करें। 1 टीस्पून नमक। हमें पहले पानी नहीं डालना है और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मसल कर गूंदना है। इस तरह से मसलना है ताकि इसमें कोई किस्म के लम्स ना रहें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मसलने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बिल्कुल वैसा ही आटा लगाकर तैयार करेंगे जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं। आटे को हमने अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट इस तरह से गूंदना है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतना ही आपके पराठे अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो किसी फ्लैट सरफेस पे इसे निकाल कर भी अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंदें। अच्छी तरह से मसल मसल कर हमने इसे गूंदा है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी कुछ भी लगा लेंगे। इसे कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, हम अब पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। उंगलियों पर थोड़ा सा घी लगा लिया है हमने। अच्छी तरह से थोड़ा मसल लेंगे। इतने आटे में हम 4 पराठे बना करके आराम से तैयार कर सकते हैं। हमें इसे बिल्कुल पतला बेल करके तैयार करना है। इस तरह से हमने एक बड़ी रोटी बनाई है और बहुत पतली। नीचे हमने मैदे को स्प्रिंकल करके रोटी बेला है। नीचे हमें मैदा स्प्रिंकल करना है और ऊपर इसके अच्छी तरह से घी लगा लेना है। आप चाहें तो तेल लगा लें। अच्छी तरह से हमने घी को लगा लिया है। हम अब इसे छोटे छोटे स्लिट्स में कट करेंगे, बिल्कुल छोटे, इस तरह से। यहाँ हम पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन पतले पतले लच्छे निकालने हैं हमको। इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक बारीक स्लिट्स कर लेनी है पराठे की। जैसे कि हमने आपसे कहा है कि लच्छा पराठा कई तरीकों से बनाया जाता है, ये जो तरीका है सबसे ज़्यादा लच्छे बनकर तैयार होते हैं। इसमें इस तरह से कट करने के बाद एक छुरी की मदद से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से खींचेंगे। इस पर एक बार फिर अच्छी तरह से घी लगाएंगे या तेल लगाएंगे, जो भी आप लगाना चाहें। इस तरह से हाथों पर हम इसे लपेटेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करना है। हम इसे बिल्कुल फौरन नहीं बनाएंगे, इसी तरह रेस्ट देंगे 8 से 10 मिनट। 10 मिनट तक हमने इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था, हम अब इसे बनाएंगे। हमें इसे हाथों की मदद से बनाना है। हाथों की मदद से
आप चाहें तो थोड़ा मैदा डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से हमें इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से इसे इस तरह से फैला लेना है। बेलन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेलन से लच्छे खराब हो सकते हैं, हाथों से ही करें, हल्के हाथों से। हमने इसे इस तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड किया है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया है। बस लच्छा पराठा तैयार हो चुका है, हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, मोटा लच्छा पराठा खाने में अच्छा लगता है। तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, हम अब इसे सेक लेंगे। तवे को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है और बाद में फ्लेम को लो किया है, ये ज़रूरी है। हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर पराठा नहीं सेकना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिके। पहले हमें इस पर तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी तरह इसे सेकना है, 1 से 2 मिनट एक तरफ। 2 मिनट हो चुके हैं एक तरफ से इसे सिकते, हम इस पर थोड़ा घी डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर दूसरी तरफ भी हम इसे पकाएंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके। 3 से 4 मिनट तक हमने दूसरी तरफ पकाया है, इस तरफ भी हम घी लगा लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लच्छे बन करके तैयार हुए हैं। थोड़ा थोड़ा हमने इस पर घी डाला है और बहुत ही सब्र के साथ अलट पलट करते हुए इसे सेक लिया है। इसे सेकने में हमें 7 से 8 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है और लच्छे भी बहुत ही अच्छे बने हैं। हम इसे निकाल लेंगे, पराठा तैयार है।